तो लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि हम लोग डेटा को यूज करके उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मेटिंग में हैं, एंड जब ये फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, हमारी जो फॉर्मेटिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, देन हमारा जो है फाउंडेशनल जो बेस है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए ये सारी बातें बताई गई थी अभी तक आपको। अगर चार्ट बनाने तक आ गया है, जो अब तक हमने यहाँ पे बातें करी हैं या फिर जितने भी सेशंस अभी तक हुए हैं, उन सेशंस में अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं और चार्ट बनाना आ गया है, दैट मींस योर बेसिक फाउंडेशन हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, आपका बेसिक फाउंडेशन जो है एक्सेल के अंदर वो अब तैयार हो चुका है। इसके बाद हम एडवांस्ड फीचर्स में जाएंगे। एडवांस फीचर्स में जाने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू गेन कॉन्फिडेंस, मतलब मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप प्लीज मेरे को कंफर्म करके बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने चार्ट्स बनाने की प्रैक्टिस की, चार्ट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई क्वेश्चन आई हो, कोई चैलेंज आया हो चार्ट बनाने में आपको। इस डेटा को सिंपल डेटा यूज किया हमने, कोई ज्यादा मुश्किल डेटा यूज भी नहीं किया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग अपनी महीने के जो एक्सपेंसेस हैं वो हिसाब लगाते हुए आ रहे थे, उसमें कैलकुलेशन वगैरह करते हुए आ रहे थे, उसी के ऊपर हम लोगों ने चार्ट बना दिए। ठीक है, ताकि एक फाउंडेशन बन जाए, एक क्लियर कंसेप्ट डेवलप हो जाए आप लोगों के पास कि एक्सेल को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड और भी जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है उसमें। ये जो डेटा है यहाँ पे दो तरीके के चार्ट बन सकते हैं। ठीक है, चार्ट बहुत तरीके के होते हैं, ये जितने भी चार्ट्स हैं, आई जस्ट शो यू ऑल द चार्ट्स। एक तो ये कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट में बहुत तरीके के चार्ट होते हैं, 2D चार्ट्स होते हैं, 3D चार्ट्स होते हैं, 2D बार्स होते हैं, 3D बार्स होते हैं। तो कॉलम एंड बार में कोई डिफरेंस नहीं है वैसे, कॉलम इज कॉलम, जैसे कॉलम स्टैंडिंग होता है, और बार बार की शेप में होते हैं। ठीक है, कॉलम चार्ट्स जो होते हैं, पहले ये समझ लीजिए कॉलम चार्ट्स को क्यों यूज किया जाता है। तो कॉलम चार्ट्स को इसलिए यूज किया जाता है जब हमारे पास ज्यादा कॉलम्स हो, ज्यादा कॉलम्स में जो डेटा हो, अगर एक से ज्यादा कॉलम में हमारे पास डेटा हो, जैसे यहाँ पे है जनवरी एक कॉलम, फरवरी दो कॉलम, मार्च तीन कॉलम। ठीक है, यहाँ पे तीन कॉलम्स हैं। अगर हमारे को ये सारा डेटा रिप्रेजेंट करना है, सारा डेटा दिखाना है चार्ट के अंदर, तो हमारे को कॉलम चार्ट या बार चार्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर हमारे को मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉलम एंड बार चार्ट्स। नेक्स्ट हो गया पाई चार्ट। पाई कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड इन वन कॉलम। ठीक है, अगर आपके पास एक ही कॉलम में डेटा हो, चाहे वो मंथ हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे वो कुछ और हो, मतलब जैसे यहाँ से हटा के अगर मैं कोई और एग्जाम्पल भी लेना शुरू कर दूं, जैसे यहाँ पे आई जस्ट टेक वन एग्जाम्पल, सेंटर्स। जल्दी जल्दी से मेरे को कोई बताएगा फटाफट से। रामपुर हो गया, रामपुर, बीजगढ़, लखीमपुर, देवली, बारन, बारन आ गया, देवली, देवली, बारान, नहीं बारन आ गया सर, ऊपर बायरेड़ीपल्ली, मॉडल सेंटर, अहमदाबाद, मॉडल सेंटर, ठीक है, ये सारे सेंटर्स हो गए। बायरेड़ीपल्ली भी ले लेते हैं, बायरेड़ीपल्ली, ठीक है, ये सेंटर्स हो गए। अब अगर मेरे को ये पता करना है कि स्टिचिंग में कितने नंबर हैं, ठीक है, टी में कितने हैं, कंप्यूटर्स में कितने हैं, टोटल कितने हो गए, आई विल जस्ट पुट इन रैंडम नंबर्स हियर। ठीक है, 65, 50, ये टेबल आपको क्लियर है?
टेबल दिख रहा है सबको क्लियरली? बड़ा करूं इसको? दिख रहा है सर? दिख रहा है, ठीक है, ओके। जैसे ये मैंने टेबल बना दिया। Now it is a table, ठीक है? अब मेरे को इसको ना रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? अब वो वाला जो ये वाला किया था, ये एक बेस हो गया, ये एक बेस हो गया। नाउ वी विल डू अनदर एग्जांपल ऑफ दिस, ताकि उसको और समझने में क्लैरिटी आ जाए आपको। So what I want is, I'll just select centers. अब मेरे को जैसे ये पता करना है कि centers का total target कितना, मतलब कितने कितने लोगों ने, कितने कितने centers ने कितना करना target achieve कर लिया है, ठीक है? Now what I'll do is, I'll select this data. अगर मेरे को खाली centers का और total पता करना है, right? ये तो मैं खाली centers लूंगा और टोटल लूंगा, ठीक है? और उसको पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इन्होंने मेरे को पाई चार्ट बना के दे दिया, टोटल है 7673, राइट? इसमें सबसे ज्यादा ये वाला है, That is Devli. Devli में अगर आप आएंगे 14% से ज्यादा है कहीं पे, 17%, ये है 17%. 17% is शाबाद लिखा हुआ है, देख रहा है आपको स्क्रीन पे सबको? Yes sir. Yes sir. Yes. तो शाबाद में सबसे ज्यादा अचीव किया हुआ है नंबर तीनों ट्रेनिंग्स में, and that is 1334. नीचे वैल्यू भी लिखी आ रही है, that is 17%. और यहाँ पे भी सबसे ज्यादा शाहबाद है, ठीक है? तो ये पाई चार्ट में बड़े आसानी से दिख सकता है, मतलब इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है एक ही कॉलम को, तो आप पाई चार्ट यूज कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है? क्योंकि पाई क्या होता है, पाई मतलब, पाई यू कैन टेक एन एग्जांपल रोटी, ठीक है? अब रोटी का एग्जांपल लो, अब रोटी को आपको बांटना है, रोटी एक ही है, रोटी मल्टीपल नहीं है, रोटी एक ही है, एक ही रोटी को मतलब एक ही कॉलम को आपको बांटना है परसेंटेजेस में, समझे? और कॉलम्स क्या है, कॉलम्स है मल्टीपल चॉकलेट बार्स, मतलब आप एक बार को रिप्रेजेंट कर सकते हो, फिर दूसरे को भी कर सकते हो, तीसरे को भी कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन अवेलेबल क्या है, यहाँ पे एक ही रोटी है। अब उस एक रोटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है कितने कितने भागों में, तो आप सिर्फ एक ही कॉलम को पकड़ के कर सकते हो। अगर आपने सारे कॉलम पकड़े तो वो डेटा नहीं दिखेगा आपको, तो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ इसको। अगर मैं सारे पकड़ लेता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ, आई विल सिलेक्ट ऑल ऑफ दिस, ये मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए, जैसे अभी मुबारक कर रहा था, ठीक है, पाई चार्ट पकड़ा, पाई चार्ट पकड़ने के बाद ये डेटा आ गया, डेटा आने के बाद ये जो है, अब क्या बोल रहा है ये, खाली स्टिचिंग का दिखा रहा है डेटा। आप लोग देखो, अगर मैं वैल्यूज के ऊपर लेके जाऊं चार्ट को, ओनली स्टिचिंग, बाकी डेटा नहीं ले रहा है ये, जो भी पहला कॉलम उसको दिखा उसने वो उठा लिया। सीरीज स्टिचिंग दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सबको, बड़ा करके देखो, दिख रहा है सीरीज स्टिचिंग, सीरीज स्टिचिंग, सीरीज स्टिचिंग, स्टिचिंग। आप खाली ये सीरीज जो है स्टिचिंग की सीरीज पकड़ी हुई है इसने, ब्यूटी एंड कंप्यूटर का छोड़ दिया, क्योंकि खाली एक ही कॉलम पकड़ सकता है पाई चार्ट। अगर आपको पाई चार्ट बनाना है तो खाली एक ही कॉलम पकड़ सकता है, या तो आप उसको बता दो कौन सा कॉलम पकड़ना है, जैसे मैंने पिछले डेटा में किया था, या फिर वो ऑटोमेटिकली सबसे पहला कॉलम जो होगा उसको पकड़ लेगा डेटा के अंदर,
बाय डिफॉल्ट। जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, मैंने सेंटर्स किए थे सेलेक्ट, मैंने सेलेक्ट किया था टोटल, फिर मैंने इसको बोला था कि आप पाई चार्ट बना दीजिए। पाई चार्ट बनाने के बाद इन्होंने ये पाई चार्ट बना दिया और अब ये टोटल का डिवीजन बता रहा है 17%, 1334, 1334। शाबाद, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बाकी सबको? यस सर, या अंडरस्टूड नाउ। अकबर ठीक है, आप समझा सकते हो आप, अगर किसी को समझाना होगा आगे तो। यस सर, बिल्कुल समझा सकते हैं, थैंक यू। तो जब पाई चार्ट यूज करें तो खाली एक ही कॉलम का डेटा वो डिवाइड कर सकता है, राइट? अब हमारे को क्या पता करना है, हमारे को ये पता करना है कि ये जो पूरा डेटा है हम कैसे इसको अलग अलग बार्स में दिखा सकें। अब हमें टोटल तो दिखाना नहीं है, हमारे को स्टिचिंग में पता करना है, ब्यूटी में पता करना है और कंप्यूटर में पता करना है। तो हम जाएंगे इंसर्ट में, डेटा हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इंसर्ट में जाके बार्स खोलेंगे, बार्स में ये वाला डेटा आ जाएगा। अब आपके सामने ये बार का चार्ट बन के आ गया। अभी में सर वो पूरा अलग अलग दिखा रहा है, बिल्कुल। अब इसमें आपको सारा अलग अलग दिखा रहा है, वो अलग अलग कलर दिए हुए हैं, स्टिचिंग को ब्लू दिया हुआ है, ब्यूटी एंड वेलनेस को ऑरेंज दिया हुआ है, कंप्यूटर को ग्रे दिया हुआ है, नंबर्स भी लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। हर सेंटर का अलग अलग दिखेगा आपको कि स्टिचिंग में कितने हैं, ब्यूटी में कितने हैं, कंप्यूटर में कितने हैं। इतनी क्लैरिटी हो गई चार्ट बनाने में? ये बड़ा मतलब बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन बहुत लोग मिस कर जाते हैं इसको, इसलिए चार्ट गलत बन जाते हैं। चार्ट जब तक एक्यूरेट नहीं होगा, वो डेटा से मैच नहीं करेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको एडिट कैसे करते हैं चार्ट को, चार्ट को थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं। चार्ट डिजाइन में जब आप जाएंगे तो बहुत सारे स्टाइल्स हैं आपके अंदर, चार्ट स्टाइल्स लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, चार्ट स्टाइल्स में आप नीचे करेंगे और ये ऑप्शंस दिखाते रहेंगे आपको कि मतलब आप कौन से चार्ट को यहाँ पे लगाना चाहते हो। इफ वी सेलेक्ट दिस चार्ट, ये वाला चार्ट हमने पकड़ लिया, इस चार्ट को यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ऐड चार्ट एलिमेंट है, ठीक है। ऐड चार्ट एलिमेंट में आप जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक्सेस चाहिए या नहीं चाहिए, एक्सेस टाइटल्स चाहिए या नहीं चाहिए। अब जैसे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया नीचे एक्सेस टाइटल, अगर आपको नीचे कुछ लिखना है जैसे सेंटर्स, ठीक है, तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल में यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सेस टाइटल्स में सेंटर्स, तो नीचे सारे सेंटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेस टाइटल्स में वर्टिकल में अगर आपको चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपको इसको नंबर देना है, नेम देना है, तो नेम एंड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हैं, ये सेंटर्स हैं, राइट। ये जो कलर्स हैं, ये सब अलग अलग कोर्सेज के कलर्स हैं, जैसे स्टिचिंग का ब्लू है, ब्यूटी का ऑरेंज है और कंप्यूटर्स का ग्रे। चार्ट एलिमेंट में और भी बहुत सारी चीजें होती है, चार्ट टाइटल, आपको टाइटल रखना है या नहीं रखना है, डन कर देंगे तो टाइटल हट जाएगा, अबव चार्ट रखना है तो अबव चार्ट आएगा, सेंटर्ड ओवरले में आएगा बीच में, ठीक है। तो ये चार्ट ऑप्शंस हैं, अगर हमें नहीं चाहिए चार्ट का टाइटल तो हम हटा भी सकते हैं। चार्ट एलिमेंट्स के अंदर, एड चार्ट एलिमेंट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फिर आ गया डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स में जैसे अभी ये चार्ट के अंदर बहुत सारे नंबर्स लिखे आ रहे हैं हर एक बार में, ठीक है, 200, 140, 240, 250, 340, 240, 245, 210, ठीक है, ये सब नंबर्स लिखे आ रहे हैं। अगर हमारे को नहीं चाहिए ये नंबर्स तो हम यहाँ पे नन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नन। जैसे ही नन करेंगे तो नंबर हट जाएंगे, सेंटर पे लिखेंगे सेंटर पे आ जाएगा, इनसाइड एंड, इनसाइड एंड पे आ जाएगा, इनसाइड बेस नीचे लिखा आ जाएगा, आउटसाइड एंड ऊपर लिखे आएंगे। डेटा कॉल आउट्स अगर चाहिए तो डेटा कॉल आउट्स, ये जो कॉल आउट्स के मैसेज वो ये इनको बोलते हैं कॉल आउट्स, जो ये लिखे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट द चार्ट। मैंने अभी नन कर दिया है, चार्ट एलिमेंट में ऑन लेंगे ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस चाहिए या नहीं चाहिए,
ठीक है। अब जैसे ये ग्रिड लाइंस है यहाँ पर, ये ग्रिड लाइंस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ये सिलेक्ट हो गई, इनको मैं बैक स्पेस करूंगा डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब इस चार्ट में आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए सेलेक्ट करके टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लिया, अगर आपको इसको बोल्ड करना है तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको बोल्ड करना है तो इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, राइट। चार्ट डिजाइन में फिर से जाएंगे, चार्ट डिजाइन में क्विक लेआउट का ऑप्शन है, लेआउट में मल्टीपल तरीके से चार्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, वो सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे लेजेंड आपको राइट में चाहिए, इसको लेजेंड बोलते हैं, लेजेंड मतलब ये बताएगा कि कौन सा कलर किसके लिए डिनोटेड है, किस ट्रेनिंग के लिए कौन सा कलर डिनोटेड है, ठीक है, ये इसको लेजेंड बोलते हैं। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो लेजेंड राइट में हो जाएगा, ऐसा चाहिए लेजेंड ऊपर आ जाएगा, मतलब यू कैन एक्सप्लोर, मतलब जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे किस तरीके से अच्छा दिख रहा है आपका चार्ट वो आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्ट में, और तरीके के एडिशंस करने के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं। अब ये चेंज कलर का ऑप्शन है, चेंज कलर का आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा है आप ये कर लीजिए, ये भी है, सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस हियर टू रिप्रेजेंट योर चार्ट, राइट। ओके, अब इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे ये जो चार्ट है ये चार्ट अब डेटा ये वाला पकड़ रहा है, ठीक है, यहां से मैं ये चार्ट हटा देता हूँ। चार्ट हटाने के बाद आई जस्ट पिक सेंटर्स, आई पिक स्टिचिंग, स्टिचिंग में मैं गया, मैंने सिंपल पाई चार्ट लिया, पाई चार्ट लेने के बाद चार्ट डिजाइन में गए, सेलेक्ट डेटा नहीं हुआ, ओके, तो ये स्टिचिंग का हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। स्टिचिंग में कौन कौन से सेंटर्स ने कितना कितना टारगेट अचीव किया ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब ये जो चार्ट है इसका डेटा, अगर मेरे को ये वाला डेटा नहीं लेना, सेलेक्ट ये स्टिचिंग का डेटा नहीं लेना, तो हम क्या कर सकते हैं, चार्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट डेटा में गए, ऊपर ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये आपके पास डायलॉग बॉक्स आ रहा है, डायलॉग बॉक्स दिख रहा है सबको, यस सर, राइट। तो ये जो डायलॉग बॉक्स है, इस डायलॉग बॉक्स में ये ऊपर सबसे जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो है चार्ट डेटा रेंज, अभी वो हाईलाइट भी कर रहा है उस रेंज को, अगर आप लेफ्ट में देखें तो वो उस रेंज को हाईलाइट भी कर रहा है। अगर हमारे को स्टिचिंग नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर स्टिचिंग चाहिए और बाकी सेंटर्स हमारे को ये लिस्ट बनी आ रही है, इनमें से कोई सेंटर नहीं चाहिए, मतलब मेरे को बारेडीपल्ली नहीं चाहिए या फिर औरंगाबाद नहीं चाहिए, तो हम उसको अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जो राइट में लिस्ट बनी आ रही है, इस लिस्ट में से मेरे को जैसे बारेडीपल्ली नहीं चाहिए, बारेडीपल्ली हटा दिया, या फिर मेरे को देवली नहीं चाहिए, देवली हटा दिया, मेरे को शाहबाद नहीं चाहिए, शाहबाद हटा दिया, ओके किया, वो सारे ऑप्शन हट गए। ठीक है, कैसे जाएंगे यहाँ पे, चार्ट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट डेटा में गए, सेलेक्ट डेटा ऊपर, सेलेक्ट डेटा जो आ रही है सेलेक्ट डेटा, अब जो जो अनचेक्ड है उसका डेटा वो नहीं दिखाएगा, ठीक है, फिर से चेक कर देते हैं इसको, ये किया, सबका डेटा दिखाने लग गया फिर से, राइट। अब जैसे मेरे को स्टिचिंग नहीं चाहिए, मेरे को कंप्यूटर्स का देखना है, ठीक है, तो आई विल रिमूव दिस रेंज, ये जो रेंज यहाँ पे दिखाई जा रही है, आई विल रिमूव दिस रेंज, अब ये ब्लैंक हो गया क्योंकि इसमें रेंज नहीं आ रही है, ठीक है। आई जस्ट सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम हियर, आई रिमूव दिस रेंज, ये रेंज यहाँ पे सिलेक्ट हो के आ गई है, अब खाली सेंटर्स और ब्यूटी वाला है, ठीक है, किया तो ब्यूटी वाला आ गया, ब्यूटी वाला दिखा दिया उन्होंने, ये चीज समझ में आ रही है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस डेटा को स्मार्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
का कोई जवाब, कोई सवाल, कोई फीडबैक। तो ये जो डायलॉग बॉक्स है ये समझ में आ रहा है? कोई भी डेटा चाहिए, रेंज हटाई, रेंज हटाने के बाद सेंटर सेलेक्ट कर लिया, या फिर मेरे को टोटल चाहिए, टोटल सेलेक्ट कर लिया, सेंटर सेलेक्ट कर लिया। जैसे ब्यूटी दिखा रहा है ये, सेलेक्ट डेटा में गए, ये हटा दिया, हटाने के बाद सेंटर सेलेक्ट कर लिए, या फिर टोटल सेलेक्ट कर लिया, टोटल सेलेक्ट करने के बाद इसने टोटल का रिप्रेजेंटेशन दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मेरे को इसमें यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे मेरे को रामपुर का डेटा नहीं देखना है, तो रामपुर को अनचेक किया, बाकी डेटा अपडेट होके आ गया चार्ट के अंदर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, क्लियर है तो मेरे को बोलो कि हम आगे बढ़ सकते हैं। सर आगे बढ़ सकते हैं। सर हम इसमें ये कर सकते हैं क्या, जैसे मुझे सिर्फ रामपुर का डेटा इसमें पाई चार्ट में शो करना है, तो मैं रामपुर सेलेक्ट करके स्टिचिंग ब्यूटी कंप्यूटर की जो वैल्यूज हैं रोज रो नंबर 3 में उसको सेलेक्ट, तो सिर्फ वो शो हो जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। अब जैसे ये वाला चार्ट बना हुआ, जैसे सेलेक्ट डेटा में गए, ठीक है, डिलीट करा जो सिलेक्टेड डेटा, सेंटर्स वाला सेलेक्ट किया ट्रेनिंग्स के साथ, रामपुर का सेलेक्ट किया खाली, ओके ठीक है सर, ठीक। खाली वो दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, अगर खाली रामपुर का रिप्रेजेंट करना है तो सेंटर स्टिचिंग, मतलब क्योंकि उसको हेड तो देना पड़ेगा ना, स्टिचिंग ब्यूटी ट्रेनिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग, फिर रामपुर क्या क्या वैल्यूज है उसकी, वो डेटा अपना रिप्रेजेंट होके आ गया है। ओके सर, ओके ठीक है। कोई और क्वेश्चन है किसी का? सर जैसे कि आपने चार्ट बना के भेजा है, हाँ, और मुझे उसमें चेंज करना है, एडिट करना है, तो मुझे वो पाई चार्ट डिलीट करके फिर से डेटा सिलेक्ट करके नया पाई चार्ट इंसर्ट करना होगा क्या? नहीं नहीं, ये जैसे चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट बना हुआ है ना, इस चार्ट को सिलेक्ट करके ये ऊपर सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन है, ठीक है, इस डेटा में अगर कुछ चेंजेस हैं आपके, ये जो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स, ये नंबर्स अगर कुछ चेंजेस हैं इसके अंदर, जैसे मेरे को औरंगाबाद का डेटा रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे अगर जैसे मैंने स्टिचिंग में 123 लिखा हुआ है, अभी मेरे पास डेटा 123 का है, लेकिन अगर आपके 350 है डेटा, तो आपने एडिट कर दिया 350, ठीक है, ब्यूटी में आपने एडिट कर दिया 150, कंप्यूटर में आपने एडिट कर दिया 450, ये आपका एक्चुअल डेटा है जो अभी आपके फील्ड में है, ठीक है, जो मेरे पास था वो पुराना था, ये आपने अपडेट कर दिया शीट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस चार्ट को सेलेक्ट किया, चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद चार्ट डिजाइन में जाने के बाद सेलेक्ट डेटा किया, ये जो रेंज सेलेक्टेड है इसको डिलीट कर देना है, ये डिलीट कर दी रेंज, खाली टॉप वाली रेंज सेलेक्ट करी क्योंकि वहां पे नेम्स लिखे हुए हैं, और औरंगाबाद वाली रेंज सेलेक्ट करी, कंट्रोल दबा के एंटर किया, औरंगाबाद का डेटा आ गया। हाँ जी, तो क्लियर हो गया ना आपको? जी सर। आई विल सजेस्ट दैट आप लोग इसी को ही प्रैक्टिस करें, चार्ट्स को थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, आप आज भी प्रैक्टिस करेंगे, कल भी प्रैक्टिस करेंगे, तो परसों हम मिलेंगे और फिर ये कंसेप्ट थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा आपका। जैसे आज हमने थोड़ी सी वो कमियां निकाली कि सारा डेटा सेलेक्ट करके पाई चार्ट में नहीं आ सकता, तो जब आप ये डेटा को सिलेक्ट डेटा यूज करके भी इसको प्रेजेंट करना चाहेंगे तो वो बड़े आसानी से आप लोग कर पाएंगे, कुछ भी डेटा हो, मतलब ये तो मैंने खाली सेंटर्स का ट्रेनिंग का डेटा ले लिया, पहले जो हम बात कर रहे थे ये टेबल की एक्सपेंसेस की, ये हमने रिप्रेजेंट किया हुआ था, कोई भी डेटा आप चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। और चार्ट में जब रिप्रेजेंटेड होता है वो डेटा तो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और ज्यादा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। अब जैसे मेरे को पता करना था कि औरंगाबाद में क्या स्टेटस है, ठीक है, औरंगाबाद में जो स्टेटस था वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक,
कितने कितने परसेंटेज किस किस ट्रेनिंग में अलोकेटेड है, राइट। ऐसे ही रामपुर का हमने किया था, रामपुर का हमारे को पता चल गया था कि कौन कौन सी ट्रेनिंग में कितना कितना परसेंट हो रखा है। तो जब आप डेटा के साथ राइट में एक पार चार्ट या फिर बार चार्ट लगा देंगे तो उससे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव डेटा हमारे को दिखता है, एक डैशबोर्ड टाइप का क्रिएट हो जाता है कि क्या अपडेट है उस डेटा का, और इसके अंदर चेंजेस होते रहेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अब ये चार्ट बना के आपने साइड में लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और लेफ्ट में आपकी कोई टेबल है, आपने कोई डेटा मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे चार्ट, यहाँ पे राइट में एक डैशबोर्ड टाइप का आपने बना के रखा हुआ है पाई चार्ट, ठीक है। अब मैं ये वाला डेटा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये वाला डेटा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ से लेता हूँ, मैं यहाँ से लेता हूँ सेंटर्स, यहाँ से लेता हूँ ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये टोटल मैं डेटा दिखा रहा हूँ, मेरे को ये डेटा लेबल्स नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड कितना कितना परसेंटेज टोटल कितना अचीव हो रहा है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है पाई चार्ट, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे चेंजेस करता रहूंगा ना तो ये अपडेट होता रहेगा। यहाँ पे राइट में लगा के छोड़ दिया आपने एक पाई चार्ट जो खाली टोटल्स का वो ले रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे टोटल्स चेंज होते रहेंगे ना वैसे वैसे पाई चार्ट अपडेट होता रहेगा ऑटोमेटिकली, आपको दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। रामपुर में जैसे 250 हो जाएगा कंप्यूटर्स, ठीक है, ये हो जाएगा 300, या फिर आप साइड में देखते रहो अपडेट होता रहेगा वो 130, ये हो गया 400, ये हो गया 600, ये हो गया 250, देख रहे हो आप अपडेट होते हुए दिख रहा है आपको? यस सर, बिल्कुल दिख रहा है सर। हाँ, तो जैसे जैसे यहाँ पे नंबर्स अपडेट होते चले जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे भी ये चार्ट अपडेट होता चला जाएगा, एक डैशबोर्ड टाइप का क्रिएट हो जाएगा। तो जो जो आप डेटा यहाँ पे डालना शुरू करेंगे और जैसे जैसे उसमें अपडेट करते चले जाएंगे वो यहाँ पे आपको दिखता चला जाएगा कितना परसेंटेज हो गया। अब जैसे किसी सेंटर को कोई ट्रेनिंग्स के टारगेट मिले हैं, ठीक है, उन्होंने ट्रेनिंग्स के टारगेट लिख लिए सारे, जैसे यहाँ पे ये डेटा मैनेजमेंट को भी लिंक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे डेटा मैनेजमेंट को आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ये ट्रेनिंग्स टारगेट अचीव्ड रिमेनिंग, ये हेड्स हो गए किसी भी सेंटर को टारगेट्स मिले, यहाँ पे सारी ट्रेनिंग्स आई 1, 2, 3, 4 एंड नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स यू हैव, यहाँ पे सारे नंबर्स आ गए, ठीक है, यहाँ पे अचीव्ड आ गया, यहाँ पे रिमेनिंग आ गया, और यहाँ पे राइट में आपने एक पाई चार्ट बना दिया। और जब आप पाई चार्ट बना देंगे, पाई चार्ट बना के छोड़ दिया, ठीक है, आप यहाँ पे जैसे जैसे जो टारगेट्स मिले हुए हैं यहाँ पे जैसे जैसे अचीव्ड और रिमेनिंग में, अचीव्ड वाला जो अगर आप पाई चार्ट बनाते हैं तो अचीव्ड वाले में जैसे जैसे आप नंबर्स ऐड करते चले जाएंगे वहां पे पाई चार्ट में चेंजेस होते चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप हमारे को भेजते हैं मंथली रिपोर्ट भेजते हैं उसके साथ अगर ऐसी कोई शीट हो जिसमें से राइट में एक डैशबोर्ड बना हो तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने डेटा को, ठीक है। यहाँ पे डैशबोर्ड में ये पाई चार्ट बना हुआ है, अभी हमने खाली ये टोटल वाला पकड़ा हुआ है,
कुछ और भी इंडिकेटर्स हो सकते हैं, ऐसे हम कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं कितने लोगों को जॉब मिल गई या फिर कितने लोगों की इनकम इंक्रीज हो गई, वो डेटा में रिपोर्टिंग टेम्पलेट जब आप सबमिट करते हो हमारे को मंथली बेसिस पे, उसको अगर हम ग्राफिकल उसमें एक शीट ऐड करके यहाँ पे सारे चार्ट्स लगा देंगे, ठीक है। तो मैं शीट लिंकिंग भी बताऊंगा, शीट लिंक कैसे करते हैं वो लेटर स्टेज में आएगा, लेकिन आप सेम शीट में ही एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल चार्ट्स यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। पाई चार्ट लगा दिया, कॉलम चार्ट लगा दिया मल्टीपल कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, टोटल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पाई चार्ट बना दिया, ट्रेनिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल कॉलम्स के लिए कॉलम चार्ट बना दिया। तो दो चार्ट जब बने हुए दिखे रहेंगे यहाँ पे ऐसे डैशबोर्ड की तरह, तो बहुत ही अपीलिंग आपको एक डेटा मैनेजमेंट शीट दिखेगी, राइट? राइट सर, यस। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए, सेशन एंड कर देते हैं फिर उसके बाद। कोई सवाल नहीं किसी का? चलो ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, आप लोग एक बेसिक ये शीट बनाइए, ये एग्जांपल जो हमने दिखाए हुए हैं इसमें इनको भूलकर अपने सेंटर पे जो रेलेवेंट आप डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, सेंटर स्पेसिफिक डेटा जो आप कलेक्ट करते हो उसको एक अच्छे से रिप्रेजेंटेशन में आप लोग नेक्स्ट क्लास में हमारे को प्रेजेंट करके दिखाना, स्क्रीन शेयर करके एक डैशबोर्ड टाइप क्रिएट करके कि कितना परसेंटेज बेनिफिशरीज को हमने ट्रेनिंग दे दी है, कितने परसेंट रह गए हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है, एक डैशबोर्ड बना के मेरे को प्रेजेंट करके दिखा देना, क्योंकि ये जितना भी, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग सब लोग एक डैशबोर्ड बना के आएंगे और उस डैशबोर्ड में हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे कि क्या क्या आपके सेंटर्स पे ट्रेनिंग्स हैं और कौन कौन से ट्रेनिंग टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं, कौन कौन से रिमेनिंग हैं। तो ये आपको भी एक लेवरेज देता है, मतलब कैसे आप इफेक्टिवली डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, फिर कैसे आप अपने सेंटर की प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? और बड़े आसान है, ये डेटा यहाँ से, ये जो चार्ट्स हैं यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से कॉपी किया और सीधा वर्ड डॉक्यूमेंट में जो आप मंथली रिपोर्ट भेजते हैं वहां पे भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ग्राफ प्रेजेंट करने हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, यहाँ से सीधा राइट क्लिक किया, कॉपी किया और वहां पे जाके पेस्ट कर दिया, यहाँ पे बैक एंड शीट में है ही वो डेटा, और वो डेटा अटैच कर दिया आपने अपने मेल में, ठीक है। सो वी विल टॉक मोर ऑन ऑल दीज थिंग्स, ये डेटा मैनेजमेंट की हैं बातें सारी, और इसके साथ ही जैसे ही ये कंप्लीट होता है आप सभी को एक फाउंडेशन मजबूत हो गई है एक्सेल के अंदर, नाउ वी विल बिल्ड ऑन दैट फाउंडेशन, एडवांस फीचर्स हम लोग सीखेंगे इसके बाद, राइट, कि डेटा फिल्टरिंग कैसे होती है, डेटा में लुकअप ऑप्शंस कैसे लगाए जाते हैं, डेटा के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। लेकिन अभी अगर इतना अगर आपको आ गया है, इतना अगर आपने ठीक से सीख लिया है, तो यू हैव क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रांग फाउंडेशन ऑफ एक्सेल, राइट? कोई इतना मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत ही आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत क्विकली इसको सीख सकते हैं। ओके, विद दिस वी आर गोइंग टू कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे नाउ एंड वी विल मीट।